हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो देखिए, जनरल नॉलेज का 10 मार्क का क्वेश्चन रहता है। सो इसमें दो तीन क्वेश्चन आ जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। सो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करना। और देखिए, आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 11 जुलाई से रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस होगा। सो देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोगों को 100 रुपीज़ पे करना होगा। सो अभी आप लोग पे कर सकते, तब पे करके मैं जब पे करेंगे उसके बाद स्क्रीनशॉट देंगे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, तो मैं आपको प्रीवियस जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूँगा, साथ ही साथ ई बुक है वो भी प्रोवाइड कर दूँगा। और साथ ही साथ देखिए, जो ऑनलाइन क्लासेस होगा 11 जुलाई से 13 अगस्त 2023 उसके लिए मतलब 200 रुपीज़ मंथली फ़ीस देना होगा। सो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए 100 रुपीज़ पे करके। सो देखिए, पे कैसे करेंगे आप लोग, थ्रू UPI 9101467653 इस नंबर पे आप लोग पे कर देना। और उसके बाद सेम नंबर यानी 9101467653 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। सो इसमें आप लोग पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना ताकि मैं आपको ऑनलाइन क्लास ग्रुप में ऐड कर सकूँगा। और देखिए, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा। सो आप लोग देखिए मतलब पे करके उसके बाद जो मेरे व्हाट्सअप में वो अपना स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। सो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया, आज हम लोग 31 से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर? सो गवर्नर होने के लिए कितना मिनिमम एज रहता है? सो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन 35 ईयर्स, ऑप्शन बी 40 ईयर्स, ऑप्शन सी 25 ईयर्स, ऑप्शन डी 30 ईयर्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 35 ईयर्स। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 32 यानी आज का सेकंड क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल टू? सो देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेस्पॉन्सिबल किसके साथ होता है या किसके ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहता है? सो देखिए, प्राइम मिनिस्टर, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर। सो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम, प्राइम मिनिस्टर किसके ऊपर मतलब रेस्पॉन्सिबल रहता है? जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के, वो पार्लियामेंट के ऊपर रेस्पॉन्सिबल रहता है। सो देखिए, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ द आर्म फोर्स इज एक्सरसाइज बाई द? सो देखिए, ऑप्शन ए कैबिनेट कमिटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी थ्री चीफ ऑफ द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स स्टाफ, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। सो राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो देखिए, चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा, देखिए वो है, देखिए ही इज़ ए मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट। सो राइट आंसर का ऑप्शन ए। सो एक बार आप लोग देख लीजिए, सो व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो देखिए, ही इज़ ए मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, के मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल मैटर्स कंसर्निंग द डिफेंस सर्विस ऑफ इंडिया? सो देखिए, चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी डिफेंस मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट? सो ऑप्शन ए वंस टाइम, ऑप्शन बी थ्री टाइम्स, ऑप्शन सी टू टाइम्स, ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ द टाइम्स। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एनी नंबर ऑफ द टाइम्स। सो देखिए, USA का बस दो टाइम रह सकते हैं, बट इंडिया का प्रेसिडेंट का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो जितने बार मर्जी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? सो देखिए, चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन, देखिए ऑप्शन बी यानी प्रेसिडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन नंबर 38, इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ व्हिच एडवाइस इज सॉट? सो देखिए, चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी यस, उनको देना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ? सो वो अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट होते हैं, सो देखिए वो सैलरी जो ड्रॉ करेंगे वो कैसे ड्रॉ करेंगे? सो देखिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट के हिसाब से ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट? सो चार ऑप्शन में जो राइट आंसर होगा वो है कैबिनेट मिनिस्टर यानी ऑप्शन बी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोग जल्दी से जल्दी रुबेल सर अकेडमी के साथ रजिस्टर हो जाइए। और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, इसके लिए जीत और मेहनत कर रहे हैं सब लोग। सो आप लोग मतलब 100 और 200 जो होगा बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, आपका मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। सो थैंक यू सो मच।